माय चैनल, कैसे हो आप सब। आज चलिए न्यू टॉपिक पे न्यू वीडियो लेके मैं आ गई हूँ फिर से आप सबके पास। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको शुद्ध देसी घी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। घी खाने से हृदय मजबूत होता है, हृदय के रोग खत्म हो जाते हैं, आंखों की रोशनी तेज होती है, बच्चों का दिमाग बहुत तेजी से ग्रो करता है, उनके याद करने की स्मरण शक्ति बढ़ती है। लेकिन बस बात यह है कि घी आपका शुद्ध होना चाहिए। अभी मार्केट में मिलावटों का तो आपको मैं क्या बताऊं, आप सब जानते ही होंगे, न्यूज में आप सब ने देखा ही होगा, बहुत ज्यादा घी का बिजनेस होता है, तेलों का बिजनेस होता है, बहुत सारे नकली पाम ऑयल टाइप के यूज किए जाते हैं, नकली चीजें मिला के हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फ्रेंड्स, घी के खाने की बात हो गई कि घी को खाने से हमारे क्या क्या माने लाभ होता है। आपको पता है फ्रेंड्स, पहले के जमाने के लोग घी से मालिश किया करते थे अपने बालों में, अपने माने बॉडी में, उससे उनकी हड्डियां मजबूत होती है, मांसपेशियां मजबूत होती है, घी इतना फायदेमंद होता है। और जानते हो फ्रेंड्स, जितना पुराना घी होता है ना, जैसे 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, 50 साल पुराना और 100 साल पुराना घी अगर आपका कहीं मिल जाए, दादाजी का, नाना जी का कहीं रखा हुआ, तो वो तो आप सबके लिए अमृत बन जाए। फ्रेंड्स, मैंने आपको शुद्ध देसी घी के बहुत सारे फायदे के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको आज के जमाने का शुद्ध घी बताती हूँ। मुझे इतने सारे, मैंने आपको जैसे बताया कि अमूल का घी मैंने यूज किया है, पतंजलि का घी मैंने यूज किया है, मिल्क फूड का घी मैंने यूज किया है और गोवर्धन का घी भी मैंने यूज किया है। इन चारों घी में मुझे सबसे अच्छा पतंजलि का ब्रांड लगा है, क्योंकि आप जब खुद एक बार पतंजलि के घी को टेस्ट करोगे ना, तो आपको खुद को लगेगा कि हाँ, वो सच में रियल घी है। ऐसे अमूल का और मिल्क फूड और गोवर्धन का भी घी बहुत अच्छा है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन मुझे सबसे अच्छा टेस्ट वाइज और तुरंत इफेक्ट दिखने वाला पतंजलि का घी लगा। तो हम बात करते हैं आज पतंजलि के घी के बारे में। ये फ्रेंड्स इस तरीके से ऐसे पैक में आता है, ये 1 kg का घी है जो 905 G@45°C सब कुछ लिखा हुआ है, आप अच्छे से देख लो। और फ्रेंड्स, हम ये 1 kg का जो घी है इसकी हम MRP की बात कर लेते हैं, तो ये 590 rupees का आता है ओनली। शुद्ध देसी घी जो होता है इसी टाइप में 500, 600, 700 के रेट में ही मिलेगा आपको। और ये काफी अच्छा है, इस तरीके से पूरा सील पैक किया हुआ है, आप देख सकते हो पूरा अच्छे से सील पैक है, कहीं से भी आपका लीकेज नहीं होगा। इसमें 500 का भी आता है, 1 kg का भी आता है, मैं 1 kg ही मंगाती हूँ, मेरे घर के हिसाब से 1 kg मुझे लग जाता है एक महीने में। और इसके यहाँ पे पूरा स्टिकर से पूरा किया हुआ है, ये माने पतंजलि की प्योर ब्रांड है। और यहाँ पे लिखा हुआ है और भी हमारे अन्य पतंजलि डेयरी उत्पादों का भी प्रयोग करें, फॉर एग्जाम्पल पतंजलि गाय का दूध, पतंजलि मक्खन, पतंजलि गाय का दूध पाउडर, पतंजलि गाय का डेयरी, पतंजलि दही, पतंजलि छाछ, पतंजलि पनीर। खोलने के तुरंत बाद कृपया घी को किसी अच्छे स्वस्थ डब्बे में डाल के रखें, ये भी इन्होंने बताया है यहाँ पे। अब हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये घी है फूड प्रोड्यूस स्टैंडर्ड 2.18। इसकी वजन की बात कर लेते हैं तो 1 लीटर है 9.5 ग्राम। और सबसे पहले इसमें यहाँ पे देखिए सब कुछ लिखा है बहुत अच्छे से गोल्डन कलर में, तो शायद आपको दिख रहा नहीं होगा ठीक से, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। एनर्जी 895.3 कैलोरी, प्रोटीन 0 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 0 ग्राम, टोटल शुगर 0, एडेड शुगर 0, टोटल फैट 99.7 ग्राम, विटामिन ए 944 mcg। ठीक है फ्रेंड्स, और इंग्रेडिएंट्स की बात करें, मिल्क फैट फ्रॉम काउ मिल्क, काउ माने शुद्ध देसी गाय के दूध से ही उसको माने मक्खन बना के उस तरीके से गाय का शुद्ध देसी घी बनता है। और ये पतंजलि मैन्युफैक्चर्ड बाय पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड, पतंजलि फूड हर्बल पैक, और ये लैब टेस्टेड भी है पतंजलि आयुर्वेदिक LTD से, एंड आरोग्य डेयरी प्रोडक्ट PVT लिमिटेड। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बता दूं कि आप कैसे पहचानोगे कि कोई भी कंपनी का घी शुद्ध है कि नहीं है। आप कोई भी कंपनी का घी लेके उसको अपने हाथों में लगाओ, इस तरीके से मसाज करके उसको छोड़ दो, माने 15-20-25 मिनट के लिए छोड़ दो। अगर कोई भी कंपनी कुछ केमिकल यूज करती है ना, वो 5-7 मिनट में गायब हो जाते हैं, लेकिन पतंजलि के प्रोडक्ट जो होते हैं या कोई भी घर का घी होगा तो वो आधे घंटे तक आपके हाथों में उसकी इस तरीके से स्मेल रहेगी। ये फर्स्ट तरीका है कि आप जान सकते हो। सेकंड, बहुत सारे जन बोलते हैं पतंजलि के घी में जैसे कलर मिलाया जाता है इसलिए वो इतना पीला है, बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड, ये पूरा टेस्टेड है।
और न्यूज वगैरह में भी पतंजलि के बारे में दिखाया गया है। पतंजलि के प्रोडक्ट सब एकदम प्योर प्रोडक्ट है, आप आग बंद करके इन पे भरोसा कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता तो आप कोई भी नॉर्मल न्यूज पेपर या पेपर भी अगर उस घी में डाल के छोड़ोगे ना, अगर उस घी में कलर ऐड किया हुआ है तो सारा पेपर उस कलर को माने कैच कर लेगा, तो पतंजलि में वो भी नहीं है। मैं आपको अब इसका डिब्बा ओपन करके दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसा दिखता है। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको ओपन कर लिया है और मैं आपको अंदर से दिखा दे रही हूँ। देखिए कितना प्यारा पीला कलर है इसका, और आप सोचोगे ये इतना जमा हुआ कैसे है, तो मेरी आदत है फ्रेंड्स, मैं जब सील पैक घी रहता है ना, मैं उसको फ्रिज में रख देती हूँ, जब मुझे यूज करना होता है तब मैं निकालती हूँ, तो क्या बाहर एकदम माने पिघल जाता है ना, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ। तो ये मुझे अब यूज करना है, तो अब मैंने इसको ओपन किया है, तो मैं आपको स्पून के हेल्प से दिखा देती हूँ। इसका कलर है इस टाइप का, देखिए ऐसा कलर है इसका, माने लेमन येलो टाइप का है। अगर इसमें कुछ मिलावटी होगा ना, तो आप कोई भी पेपर में इसको टच करके लगा दीजिए, या एक कटोरी में इस घी को निकाल दीजिए, उसमें पेपर डिप करके रखिए, 15 से 20 मिनट बाद उस पेपर को हटाइएगा, आपको पता चल जाएगा इसमें कलर है या नहीं है। मैंने यूज किया हुआ है, ऐसा बिल्कुल भी कलर नहीं है। और इसकी फ्रेग्रेंस की बात करते हैं तो ये एकदम प्योर देसी घी है। जैसे मैंने बताया, मेरे ननियाल में खुद घर में घी निकलता है, तो मुझे घर के घी का टेस्ट और स्मेल पता है। इसका जो इसकी जो स्मेल है पूरी प्योर, सेम टू सेम वही घर के घी की स्मेल है, और ये एकदम वैसा ही पूरा थिक और चिपचिपा है। आप इसको इस तरीके से अपने हथेली में लगाइए, ऐसे ऐसे सूंघिए, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और इसको लगा के आप आधे घंटे ऐसे छोड़ दीजिए, आधे घंटा बाद भी अगर हाथों से स्मेल आ रही है ना, तो ये शुद्ध घी है, ठीक है। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी अच्छी जनरल नॉलेज मिल जाए मेरी तरफ से। तो चलिए मिलते हैं हमारे नए टॉपिक पे नए वीडियोस के साथ, बाय।